मेरा नाम है विवान और मैं हूँ 8 साल का। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की 7 टेक्निक्स। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है? आपके परिवार वाले बोलते होंगे कि टाइम मैनेज करना तुम्हें आना चाहिए, इधर के देखो कितना अच्छा टाइम मैनेज करते हैं। एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ दोस्तों कि आप यू कैन ग्रो इन मनी बट यू कांट ग्रो इन टाइम। मतलब आप मनी को ग्रो कर सकते हो, 6 लाख से 8 लाख कर सकते हो, 8 लाख से 3 करोड़ कर सकते हो, 3 करोड़ से 3 ट्रिलियन कर सकते हो, जितना करना कर सकते हो वो आपके माइंड पे बेस्ड है। पर आप 24 आवर्स को चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। आप उसी टाइम में पैसे कमा सकते हो पर टाइम वही पैसा वो अलग टाइम में नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसलिए टाइम बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 7 टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट टेक्निक है डू वन थिंग। डू वन थिंग मतलब क्या होता है? एक चीज करो जो कि आपका तहलका बजाते हैं, तहलका जो कि आपके गोल्स में बहुत कंट्रीब्यूशन करे, मतलब गोल्स में बहुत कंट्रीब्यूशन करे। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ऐसे ही, जो आपकी लाइफ में 0.1% कंट्रीब्यूशन था उसको तो कभी नहीं करने का वन थिंग, उसको तो मल्टीटास्किंग करने का। अगर 51% ग्रोथ है तो करने का, क्योंकि आपकी ग्रोथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, समझ रहे दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको एक चीज़ पे, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा आप कर सकते हो कि अभी लेडीज़ जो है बहुत एक्सपर्ट रहती है तो वो लोग जो है ये फेंका नमक, ये फेंका मसाला, बन गया अच्छा बन जाता है। बातें करते करते बात करने में उनका दिमाग लग रहा है, पर खाना तो उनको एक्सपर्ट है। पर दोस्तों ये नहीं कि आप बेटी का शादी का लेटर भी बता रहे कौन कौन रात, कोई जो चिट है लेटर है वो किधर और जगह पहुँच जाएगा, या इंसान जो हार्ट पेशेंट जिसका कि ऑपरेशन कर रहे हैं वो अलग जगह पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको एक चीज़ करनी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हम लोग सेकंड टेक्निक क्या है। तो दोस्तों आपको जो अपने वर्किंग आउट ट्रैक करना है। वर्किंग आउट ट्रैक क्या होता है? तो दोस्तों देखिए कि कुछ लोग होते हैं जो कि सुबह सुबह बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे मैं सुबह सुबह बहुत एक्टिव होता और मतलब एक तो होती है फ्राइड और फ्रेश मतलब बिल्कुल फ्रेश बड़े 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 काम करना, और फ्राइड मतलब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो फ्राइड मतलब बिल्कुल ख़राब पोजीशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो बिल्कुल ईजीएस्ट काम है, बिल्कुल ईजीएस्ट वो अपने फ्राइड टाइम में करना है। और जो सबसे आपके कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जो सबसे हार्ड टास्क है वो आपको फ्रेश आवर्स में करने हैं। तो दोस्तों आपको अपना फ्रेश आवर्स जो ट्रैक करने पड़ेंगे, जब आप काम करोगे भड़ा तूफान के जैसे हो जाएगा पूरा तूफान आपका, ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने वर्किंग आवर्स ढूंढने और टाइम मैनेज कर सकते हो आप उससे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि लोग होते हैं जो कि मैं जो हूँ 5 बजे से लेकर, 5 बजे तो मैं उठता हूँ, थोड़ा लेजी हो जाता हूँ, तो मेरा वर्किंग आवर है 6 to 8 या फिर 5 to 8 मॉर्निंग का और या फिर शाम का। तो ये दोनों टाइमिंग है मेरे वर्किंग आवर, किसी के 5 से 8 होता है, किसी कुछ से भी होता है। और आपको जो है जैसे कि मैंने आपको बताया जो बिल्कुल ख़राब टाइम है फ्राइड टाइम, मतलब फ्राइड मतलब, तो उसमें आपको क्या करना है कि बिल्कुल ईजीएस्ट काम करना है। और जो आपको कॉम्प्लिकेटेड टास्क है वो आपको अपने फ्रेश टाइम में करना है। फ्रेश टाइम आपको अपना ढूंढना होगा, ट्रैक करना होगा, जब आप जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थर्ड टेक्निक है टाइम लॉगिंग मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए कि आपको यूटिलिटी, टास्क, प्लान, ये 3 चीज़ें बनानी है। और कितने मिनट खर्च होंगे? यूटिलिटी है कॉफ़ी ब्रेक में आपके लो यूटिलिटी है, ठीक है, लो यूटिलिटी, आपको पैसा नहीं मिलेगा उससे,
प्लान कर रहा था, नहीं सेल्स कॉल है उससे आपको पैसा मिलेगा, उसमें 60 मिनट दे दिया, रिव्यू PPT उसमें आपको मिलेगा पैसा। तो ऐसे आपको टाइम लॉगिंग करना है, एक पूरा दिन का जितना भी काम करते हो उसका पूरा टाइम लॉग बना लो कि ये कॉफ़ी ब्रेक है उसमें मुझे पैसा मिलेगा, नहीं इसको अब ख़त्म कर दो, या फिर ख़त्म नहीं, आपको एक चेकलिस्ट बनानी कि आपको कौन सा प्रॉफिट देगा, कौन सी चीज़, कौन सा क्या क्या प्रॉफिट देगा, हाई मीडियम लो, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, PPT रिव्यू या फिर कोई भी चीज़ें, सेल्स मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग, जो भी चीज़ें कर रहे हो, प्लान बनाया था या नहीं बनाया था, कितने मिनट लगेंगे उसमें, कितने नहीं लगेंगे, 60 मिनट, 120 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, कितने लगेंगे। तो आपको ये टाइम लॉक करके रखना है अपना पूरे एक दिन का वर्किंग आवर्स का, जिससे कि आप जो है आप अपना देख सकें कि मैं क्या क्या करता हूँ एक दिन में, और आप उसको जो है अपना टाइम मैनेज कर सकें। तो दोस्तों आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हम लोग फोर्थ स्ट्रेटेजी पर। तो दोस्तों फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए समझते हैं। फोर टेक्निक है टाइम बॉक्सिंग, टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बैचिंग। आप ये मत बोलना कि ये चैप्टर, एक ही चैप्टर के अंदर तीन चीज़ें, हाँ दोस्तों ठीक है, ये एक ही चीज, एक ही टेक्निक्स है ये चारों, थोड़ा सिमिलर है ये। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग जो है वर्क बेस्ड होता है, वर्क बेस्ड मतलब कि अगर आपको 100 पेज करना है, अगर वो 2 घंटे में ख़त्म नहीं हुआ, जैसे कि आपने बोल दिया कि मुझे 100 पेज 3 घंटे में पढ़ना, तो अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपको 4 घंटे में करना है, पर वो टास्क जो है ख़त्म कर ही रहना है, ठीक है दोस्तों समझ गए। तो आपको वो टास्क कर ही रहना है, ये आप बना लो ठीक है। तो वो होता है टाइम ब्लॉकिंग, वो होता है टास्क बेस्ड, और ये होता है टाइम बेस्ड। क्या होता है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग ना किसकी टेक्निक है, हाँ टाइम बॉक्सिंग इलॉन मस्क की टेक्निक है दोस्तों। वो क्या करते हैं पूरे 16 घंटे को जितना वो काम करते हैं, 15 15 15 15 बॉक्स बना रखे, पूरा 15 बॉक्स बना रखे 15 मिनट के। वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे 15 मिनट में इसका डिसीजन, इसका पूरा समझा के नहीं गए, मतलब तुम इस जो है मेरी कंपनी के अंदर अच्छे मैनेजर नहीं हो, फायर। ये बता रखा है इन लोगों को कि 15 मिनट से ज़्यादा लगा मतलब तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम बॉक्सिंग मतलब कि क्या होता है कि आपको 100 पेज पढ़ने, अगर 100 पेज आपको 3 घंटे में पढ़ने, पर अगर नहीं पढ़े 100 पेज पर 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते आप, आपको वही टाइम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये टाइम वेस्ट होता है। टाइम बैचिंग क्या होता है, टाइम बैचिंग आप सोचोगे कि एक ही चीज़ को, जैसे कि एक ही चीज़ को एक साथ कर लो जिससे कि आपका टाइम बच जाए, जैसे कि HR और एडमिन को एक साथ कर लो मीटिंग, फाइनेंस और अकाउंट्स को एक साथ कर लो मीटिंग। तो ऐसे अगर आपने कर लिया तो आपको जो है हो सकता है, जिससे कि आप एक बार में जैसे कि HR और एडमिन को मिला दिया, और सिमिलर होते हैं, किसको फाइनेंस और अकाउंट्स को मिल दिया, एक होते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा, दोनों चीज़ें एक झटके में हो जाएगी, मतलब ये बोला जाता है ना एक तीर से 2 निशान है, तो वो हो जाता है आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए जानते हम लोग पोमोडोरो वर्सेस पोमेरियन टेक्निक। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, पोमोडोरो मतलब क्या होता है, 30 मिनट काम, जैसे कि मैं 30 मिनट से वर्क कर रहा हूँ, 30 मिनट पूरा स्ट्रेच करा बॉडी को, पूरा अच्छी तरह कर लिया, और देखा कि मैं क्या काम करूँ, 3 मिनट ब्रेक लिया, 30 मिनट काम करने लगा, ऐसे करते रहो। और एक होती है पोमेरियन टेक्निक, पोमेरियन मतलब 3 मिनट काम 30 मिनट ब्रेक। ये जो पोमेरियन है ना, ये डॉग जो होता है ना, वो दिन भर उछलते रहते हैं, उनका कोई टास्क बेस्ड नहीं होता, उसके उठा के बनाया पोमेरियन टेक्निक, ठीक है ना दोस्तों। 3 मिनट काम 30 मिनट ब्रेक, 30 मिनट काम
3 मिनट ब्रेक। पोमोडोरो वर्सेस पोमेरियन टेक्निक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हम लोग चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। चेकलिस्ट मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है कि आपको चेकलिस्ट बनानी है। जैसे कि अगर आप घूमने जाते हो, तो जैसे कि अगर मैं एथलेटिक्स को जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे जैकेट पहनना है, मुझे टी शर्ट पहनी, कौन सी टी शर्ट पहनी, वो मैं रख देता हूँ पहले से ही, रात से ही रख देता हूँ। सुबह कोई जरूरत नहीं, बड़ा टाइम मैनेज हो जाता है मेरा फटाफट। सुबह सुबह मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी पैंट किधर है, जैकेट किधर है, टी शर्ट किधर है। रात को बहुत टाइम रहता है मेरे पास, आधा घंटा रहता है, तो मैं जब भी ढूंढ लेता हूँ। तो इसलिए मेरा चेकलिस्ट बन जाता है कि मुझे बॉटल भरनी है, मुझे कपड़े निकालने हैं, मुझे जैकेट निकालना है, कैप निकालनी है, जो भी चीज़ें हैं वो सब चेकलिस्ट में आ जाती है कि आपको ये करना है और ये करना ही है। और एक चीज़ होनी चाहिए कि वो उसी जगह पर होनी चाहिए, मतलब वो उसी जगह की होनी चाहिए और वो उसी जगह पर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ये होती है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये चेकलिस्ट मैनिफेस्टो बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, थीम डे मेथड क्या होता है, 7 टेक्निक और लास्ट टेक्निक। अगर आप समझे नहीं चेकलिस्ट तो और समझा देता हूँ मैं अच्छी तरह। तो दोस्तों चेकलिस्ट मतलब अभी हम लोग थीम डे पर नहीं जाते, आपको और समझ नहीं आएगा अच्छी तरह, तो मैं और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई किधर जा रहे हो ट्रैकिंग पे, तो आपको कुछ खाने का लेना है, खाने का एक बॉक्स बना दो और डाल दो, बॉटल का एक बॉक्स बना दो डाल दो, कपड़ों का एक बॉक्स बना दो डाल दो, आपके बाथरूम का जो है डाल दो, गैजेट का डाल दो। ये होती है आपकी चेकलिस्ट, पूरा चेकलिस्ट बना दो, जिससे आपको टाइम लगे नहीं ज़्यादा। ठीक है ना दोस्त, अभी हम लोग जानते थीम डे मेथड। थीम डे मेथड क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों वो होता है कि मंडे को रिव्यू मीटिंग, ट्यूसडे को सेल्स, और वेनसडे को मैनेजमेंट मैनेज करना, और फिर जो है हमारा थर्सडे को एडमिन एचआर को करना, फिर उसके बाद फाइनेंसेस देखना फ्राइडे को, फिर संडे को कुछ और कर लेना, डे ऑफ रखना संडे को, मतलब सैटरडे को कुछ और कर लेना, सैटरडे को अकाउंट्स कर लेना, एचआर कर लेना, एडमिन कर लेना, कुछ और कर लेना, या अपना पर्सनल वर्क कर लेना, या फिर संडे को डे ऑफ, या फिर लर्निंग कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये होता है आपका थीम डे मेथड। आज का वीडियो कैसा लगा बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स वॉचिंग वाली है, थैंक्स वॉचिंग वाले, थैंक्स अलॉट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स अलॉट।